यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक आज, सभी राज्यों के वित्त मंत्री रहेंगे मौजूद। रिटर्न प्रक्रिया को आसान बनाने पर रहेगा जोर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुसूचित जाति जनजाति कानून संबंधी अपने फैसले पर रोक लगाने का किया अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन समुदायों के अधिकारों के संरक्षण और उनके प्रति अत्याचार करने वाले दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की है वो हिमायत। विदेश मंत्रालय का बयान, पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच विश्वास बढ़ाने के दिए व्यापक दिशा निर्देश। अफगानिस्तान में संयुक्त रूप से आर्थिक परियोजनाओं पर काम करने को लेकर भी हुई चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आ रही बस में लगी आग, 27 लोग जिंदा जले। सीएम ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन, पीएम मोदी ने भी जताया दुख। पानीपत का बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामला, पंचकुला के विशेष एनआईए कोर्ट में होगी सुनवाई। स्वामी असीम आनंद सहित सभी आरोपी होंगे कोर्ट में पेश। कसोली गोली हत्याकांड का मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। हिमाचल और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हुई गिरफ्तारी, यूपी के वृंदावन से हुई गिरफ्तारी। और डेरा सच्चा सौदा की 23 अवैध इमारतों को लेकर नोटिस, इमारतों को तोड़ने के लिए कभी भी चल सकता है हथौड़ा, पहले भी भेजा जा चुका है नोटिस।